जी लार ले 15 साल हूँ, कांग्रेस की सरकार आई नहीं है लोकसभा में, कई कारण रहे हो ठीक कार्यकर्ता हो, नेता की कमी है जनता की कमी है, जनता की नहीं है नेता की कमी, रोसाली भे पाडल आवे वो भी ध्यान हुई, लुगा राम जी लोकल है, अरे पंडियो लिखे हुआ है साथ ये हमारे जेब में हमने नहीं देखे, आए होंगे खाता चेक किया आपने, वो खाता चेक हमने तो डायरी फाड़ दी चेक कर करके। साथियों विधानसभा के बाद में अब लोकसभा का चुनाव है, वो सर जमीन पे है, और बात करें तो अभी जो विशाल जनसभा है आज जो भीड़ है वो आप देख सकते हो, पूरे कैमरा में थोड़ा कैमरे को घुमाइएगा एक बार, जो आपको हम भीड़ दिखा रहे हैं वो आज वैभव जी की जो जनसभा है और उसमें वो आज आएंगे और उनके पिताजी आएंगे, अभी नहीं आए हैं तो जनता से भी राय लेते हैं और उनसे बात करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में माहौल है वो अपने जालौर सिरोही में क्या होने वाला है। हालांकि आपको पता ही है कि यहाँ पे है जो एक तरफा वोटर आए हैं कार्यकर्ता के रूप में माना जाए तो, लेकिन आज हम एक ऐसी बात करेंगे जिससे इनका क्या जवाब आता है और क्या इनकी प्रतिक्रिया रहती है। सबसे पहले आप कटा दिया आया सिपाही नौने, अच्छा आज आप साचौर में आया और आज जनसभा की रैली है, वैभव जी के पिताजी आवे कण बात दी लेना आवे आपने ध्यान है तो ये बोटो हारो आवे भी करना, हाँ अच्छा बोटो हारो आवे, बोटो हारो आवे आपको जो कम, अच्छा हाँ बोटो हारो आवे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लड़का है वैभव जी, वे लोकसभा में खड़ा हुआ आपने ध्यान है, हाँ ये जान है ये जो भी खड़ा होया है तो इसको सातवर जिले में जीताना चाहूँ, हम केड़ो माहौल लागे हमके मामलो तो भाई अच्छा लागे, हमें तो बहुत बढ़िया लागे मामला, अच्छो की कर लागे जीत जावेला, हाँ इंशाल्लाह सातवर में जीत जाएगा ये भी जिला, जी लार ले 15 साल हूँ कांग्रेस की सरकार आई नहीं है लोकसभा में, कई कारण रहे हो ठीक कार्यकर्ता हो आप बुजुर्ग हो आईडियो भी है, बोलो आपकी कई भावना है, मैं 15 साल में जो भी नेता है नेता की कमी है, दूसरों कुछ नहीं नेता की कमी है, नेता की कमी है जनता की कमी है, जनता की नहीं है नेता की कमी है, अच्छा नेता की, हाँ कौन कारण, कारण यही है किसी ने कहता है किसी ने नहीं कहता है तो प्रचार नहीं करते, तो अपनी जीत है आ जाएंगे आ जाए भरोसे मत रह जाओ, तो भरोसा तो भाई ये तो भरोसा वाली भे पाटे लावे वो भी ध्यान हुई, भरोसा पाटे लावे देखो अपने 15 साल रहा तो पाटे मतलब लाती आई है, हाँ तो लाती आई है तो हमके कहीं लावेला, हमको तो भरोसा भाई जीतने के लिए विकास लावेला या फिर कहीं लावेला आप रे साहब, नहीं विकास लावे, तो आपने ध्यान है लोकसभा चुनाव में सिरोही का लोकल है लुम्बा राम जी चौधरी, आपने ध्यान है बीजेपी की टिकट मिली वना ने, तो बासा आपने ध्यान वेला जो बीजेपी की लुम्बा राम जी चौधरी है वना टिकट मिली है आपने ध्यान है, खैर पार्टी और टिकट लाव दा पर कांग्रेस ही आज हमके छोड़ के ये हमारा जिले में जो भी जालौर है साचौर है सिरोही है इसमें मामला बहुत भारी देखा है भाई, पर लोग तो कह गए वो अटैरो नहीं है आदमी लोकल नहीं है, अरे सो अटैरो लुम्बा राम जी लोकल है, अरे पंडियो लिखे हुआ है साथ भाई ये इसका पिताजी भाई मुख्यमंत्री है तो क्या आगे राज में चलन है, तो जहाँ पसंद वाला जाए कोई ऐसा नहीं है कि भाई नहीं इसको पसंद नहीं हो ये तो नहीं है, अरे जहाँ पसंद ही है, अच्छा और भी हमारे साथ में जो लोग हैं वो जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे, आप कटा दिया या मैं सिपाही रानी खिजड़ी वाले हूँ, मतलब आप यहाँ पे आए हो क्या आपने यहाँ पे भाषण में वगैरह कुछ सुना, कहीं सुनियो बहुत अच्छी पार्टी प्रचार कर रही है छत्ता बयान कर रहा है तो काम किया है हमारा भी जिला बनाया है हमारा सुखराम जी काम किया कांग्रेस पार्टी है ये मुख्यमंत्री का लड़का है या एमपी में भी खड़ा है बहुत अच्छी बात है, वैभव जी कभी आए हैं साचौर पहले, वे कब आए, कई साल आए थे ये वोटों में एमएलए साबरा विधानसभा बोर्ड था वहाँ आए थे 3-4 बार पूरी हमारे तहसील में मीटिंग करी चित्रवाड़ा आए थे पहली बार 2 साल पहले भी आए थे हमारे यहाँ थे, आप एमपी का वोट किस लिए देते हो, काम के लिए दे रहा हूँ, कौन से काम के लिए, हर काम हमारे लिए साचौर बहुत अच्छा काम हुआ तो मुख्यमंत्री प्रताप से हमारा भी जिला बनाया है अभी नई पंचायत बनी है हमारा भी रोड़ा बने हैं और कॉलेज भी बनी है, मामलो
टक्कर को लागे आपने ध्यान है, टक्कर को भलाई लागे, हमके हमारा कांग्रेस फाइनल है। तो ये नौजवान आदमी है, मुख्यमंत्री का लड़का है, पढ़ा लिखा है, हमारा आगे भविष्य के लिए काम आएगा, इसके लिए तो हमारा वोट देना ही है। अच्छा, हम तो देते भी कांग्रेस। आप लूंबा राम जी पहचानो? नहीं सर, लूंबा राम जी हमने नहीं पहचान। सिरोही का लोकसभा चुनाव बीजेपी की टिकट, वो बीजेपी की पार्टी उसको टिकट दी है, लेकिन हमारे यहाँ हमने देखा नहीं उसको। लेकिन यहाँ पे कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे भाई, आए थे हम तो कोई मीटिंग में नहीं आए, लेकिन हमने भी पता नहीं है जो शुरू क्या होगा, हमने पता नहीं कहा। उन्होंने भी वादे किए हैं कि पाली का बांध है वहाँ का पानी जालोर की जनता को पहुँचाएंगे। भाई पहुँचाएगा तो 15 साल तक एमपी रह चुका है, जो पहली की लेर आई, दूसरी तो एक ककराई एमपी साहब नोखा नहीं, देवजी भाई पटेल हमारे वहाँ तो एरिया में चक्कर ही काटा नहीं, 15 साल अगू लग रहे हैं वहाँ। वो तो कह रहे हैं नहर का पानी जो जालोर तक पहुंचाएंगे और जनता को प्यास बुझाएंगे, ऐसा भी वादा कर रहे हैं भाई। ये वादा झूठा है, 15 लाख का जो वादा चल रहा है कई साल से, कोई 15 लाख है हमारे जेब में हमने नहीं देखे। आए होंगे, खाता चेक किया आपने? वो खाता चेक हमने तो डायरी फाड़ दी चेक कर करके, वो हमारा तो 15 लाख आया, 5 लाख अभी तक नहीं आया। नहीं आया सर। अच्छा, अब देगा क्या होगा। अच्छा, और भी तमाम लोगों से बात करेंगे, बने रहे।